तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच टूल्स के बारे में जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर या नए क्रिएटर हैं या कोई नया यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ही के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आप आपकी यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से उस पर व्यू ला सकते हैं और किस तरह से उस पर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप भी एक नए यूट्यूबर या नए क्रिएटर हैं तो वीडियोस बनाने के बारे में तो सब सोचते हैं और सभी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते भी हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कुछ बड़ा कर पाते हैं। क्यों? यूट्यूब कुछ ही सिलेक्टेड वीडियोस या कुछ ही सिलेक्टेड चैनल्स होते हैं जिनकी वीडियोस को प्रमोट करके ऊपर दिखाता है, बाकी के यूट्यूबर्स की वीडियोस को बिल्कुल भी रिकमेंड में नहीं भेजता, जिससे उन चैनल का ग्रो हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्या करते हैं वो लोग जिनसे उनकी वीडियो रिकमेंड में ऊपर जाती है और दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो रिकमेंड में नहीं जा पाता? तो इसका सिंपल सा आंसर है टूल्स। तो गाइस आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की या बहुत सारे क्रिएटर्स की ऐसी वीडियो देखी होगी जो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखती है दूसरे क्रिएटर्स की बजाय। टूल्स ही ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे टूल सेलेक्ट करने होंगे जिनसे आप आपकी वीडियो को बहुत हद तक प्रोफेशनल सा बना सकते हैं। तो ज़्यादा यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छे टूल्स और अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिससे उनका कंटेंट ज़्यादा प्रोफेशनल सा नज़र आता है। और वहीं जब कोई सिंपल यूट्यूबर्स होता है वो सीधा अपनी वीडियो को शूट करता है तो सीधा अपलोड करके रेस्ट करने लगता है कि बस अब मेरी वीडियो चलने लगेगी। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। जब मैं भी अपनी वीडियो शुरू शुरू में बनाता था तो मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि इस वीडियो में मेरे अच्छे व्यूज़ आए या अच्छे सब्सक्राइबर गेन हो। लेकिन सिर्फ यही करना काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो और जल्दी से जल्दी उस पर सब्सक्राइबर गेन हो सके। तो गाइस जो सबसे पहला टूल्स है वो है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी को आप अगर एंड्रॉयड से यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉयड पर इसकी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दो वर्जन होते हैं, एक आप पेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं, एक अनपेड फ्री भी होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री वर्जन होता है उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, वहीं पेड वर्जन बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो अगर आप कोई नई वीडियो बना रहे हैं जिस पर आपको व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल से ट्यूबबडी पर उस वीडियो का लिंक डालकर ये देख सकते हैं किस वजह से वो वीडियो रैंक नहीं कर पा रही है, किस वजह से वो वीडियो चल नहीं रही है, जिससे ट्यूबबडी आपको खुद ब खुद रिकमेंड कर देता है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए जिससे आपकी ये वीडियो अच्छी परफॉर्म कर सके। इसमें आपका टाइटल में आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं या आपको कौन से टैग यूज़ करना चाहिए या कौन से टैग अभी कभी फॉर्म में चल रहा है तो आपको उन टैग्स का यूज़ करना चाहिए, ये आपको सब कुछ बता सकती है। तो ट्यूबबडी सबसे पहली ऐसी टूल्स है जिसको आप अगर एक नए यूट्यूबर या नए क्रिएटर है तो आपको ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। तो सेकंड टूल जो है जो गाइस मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है vidIQ। vidIQ भी ट्यूबबडी जैसा ही है, लेकिन vidIQ में क्या है कि ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती हैं फ्री वर्जन में, मतलब आपको इसमें कीवर्ड रिसर्च मिल जाता है जो आपको सर्च करके बता देगा कि कौन सी वीडियो जो आप टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं वो चलेगी या नहीं चलेगी, आपकी वीडियो में व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, या ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोगों ने उस टॉपिक पर वीडियो पहले से बना रखी हो जिससे कि आप उस पर वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो रैंक में पीछे आएगी और आपकी वीडियो चल नहीं पाएगी। तो vidIQ पे आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च मिल जाता है, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन पर, मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड में इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ भी ये आपको कीवर्ड रिसर्च बता देगा अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या डेस्कटॉप नहीं है। तो इसलिए vidIQ भी काफ़ी हद तक ट्यूबबडी जैसा ही काम करती है। vidIQ आपको बताएगी आपके व्यूज़ कितने हो गए, आपको कौन से टैग यूज़ करना चाहिए, आपको क्या थंबनेल आपका अच्छा है या नहीं है, तो ये भी आपको सब कुछ vidIQ बता देगा। तो इसलिए सेकंड ऐप है vidIQ जिसको आपको ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं गाइस कि हम एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और एक के बाद एक बस अपलोड करने में लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपलोड एक के बाद एक करने से या अच्छा कंटेंट डाल देने से ही आपका चैनल ग्रो कभी भी नहीं हो सकता है। आपके चैनल को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, मतलब कि आपको क्या कहाँ पे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हफ्ते में 3 या 4 वीडियो ही अपलोड करें, आप हफ्ते में चाहे एक वीडियो अपलोड करें लेकिन अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें। मतलब तीसरी जो ऐप है वो है tubix.com, ये आपको बता देगी कि आपके यूट्यूब चैनल के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है जिससे आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है या व्यूज़ गेन नहीं कर पा रहा है।
ये आपको वो सारी चीज़ें बता देगा जो आपके YouTube चैनल के साथ आपको ज़रूर से करना चाहिए। सिर्फ आपको आपके चैनल का लिंक इस tubix.com पर डालना है और ये आपको सब कुछ बता देगा कि आपके चैनल के साथ आपको क्या करना चाहिए या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज करना चाहिए जिससे आपका YouTube चैनल चल सके या अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, आप उस पर आपको व्यूज़ मिल सकें, सब्सक्राइबर मिल सकें, तो ट्राई ज़रूर करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस जो चौथा टूल्स है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है YouTube थंबनेल बनाने के लिए कैनवा। जी हाँ गाइस, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो सिंपली से, और इस पर आप आपके प्रोफेशनल कैनवा थंबनेल बना सकते हो। आपको ये बने बनाए थंबनेल दे देता है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ क्या रखना चाहिए, ये आपको खुद ब खुद एक बनाए हुए थंबनेल दे देता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप्स के कीवर्ड मिल जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के फॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको यूट्यूब पर लोगो चाहिए तो वो भी आपको यहीं मिल जाएगा, आपको थंबनेल का साइन चाहिए तो वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है। जितने भी नए यूट्यूबर या नए क्रिएटर हैं वो अधिकतर कैनवा का ही यूज़ करते हैं, और कैनवा काफ़ी हद तक आपके थंबनेल को प्रोफेशनल बनाता है। और आप चाहे माने या ना माने, आपकी वीडियो में कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, तो आपकी वीडियो कभी नहीं चल सकती। इसलिए कोशिश करें कि आपका थंबनेल आप अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। इसलिए आप कैनवा यूज़ करें, और कैनवा यूज़ करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों आपसे कैनवा रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो पाँचवा टूल है वो है वीडियो ट्रांसक्रिप्ट टूल्स। अगर आप वीडियो मान लीजिए हिंदी में बनाते हैं या इंग्लिश में बनाते हैं, तो अगर आपकी वीडियो हिंदी में बनाते हैं तो आप नीचे सबटाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ बता सकते हैं, जिससे आपकी जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाती है। मतलब कि जो बंदा हिंदी नहीं जानता है, जो इंग्लिश समझता है, वो नीचे टेक्स्ट पढ़कर भी आपकी वीडियो को देख सकता है। तो ये है वीडियो ट्रांसक्रिप्ट टूल्स, जो आपकी वीडियो को सिर्फ आपको आपकी वीडियो का लिंक इस ऐप में डालना है, और ये खुद ब खुद ही आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। सिर्फ आपको मैनुअली इसको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि वो मशीन है, मशीन कई बार गलतियां कर देती है, कहीं ऐसे शब्द डाल देती है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको एक बार उसको पढ़कर चेक कर लेना है, और जिससे आपकी वीडियो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल भी दिखेगी, और जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं उन लोगों तक भी आप पहुँच सकते हैं, और आपके चैनल पर उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हो सकते हैं। तो यार ये थे वो पांच टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। अब मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।